हाय गाइस, आज हमारे साथ है नकुल जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है और बहुत अच्छा एक्टर है। सो हाय सहेली राजपुरे, वेलकम धड़क वेलकम। सो उसने काफ़ी फिल्मों में काम किया है, अब तक 56 बागबान मूवी में उन्होंने काम किया है। सो काफ़ी फिल्में की है उन्होंने, काफ़ी सीरियल्स भी किए, एडवर्टाइजमेंट्स उन्होंने काफ़ी किए। हमारी मुलाकात एक एडवर्टाइजमेंट में ही हुई थी। सो यस, वो आ गए हैं। सो हम उनको एक बार ब्रॉड पे लेते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि वो कैसे उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की, कैसे शुरू किया सब कुछ हम जानते हैं उनसे। और गाइज, प्लीज़ अपने सवाल भी आप हमारे साथ रखिएगा, सवाल भी जोड़ते रहिएगा हमारे साथ में। इट्स 5:30। सो हेलो बड़ी, व्हाट्स अप? गोइंग ऑन, डूइंग वेल। माय गॉड, एक नया रूप देखने को मिल रहा है मुझे तेरा। ये क्या बना, क्या हाल, क्या कर दिया ये? मतलब एकदम नया अलग प्रकार का रूप। नहीं किया कुछ नहीं है, क्योंकि क्योंकि कुछ किया नहीं है, ये हाल हो गया है। तो लॉकडाउन था, बाल काटे नहीं तो बाल बढ़ते चले गए। तो जब तक बाल काटे नहीं, ये रूप है। ये देखना, मेरे भी देखना। क्या हाल चाल है भाई, काफी टाइम बाद मिले यार। यस, बहुत टाइम बाद इसी पे मुलाकात होती है। दैट मींस हम दोनों ने सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो फॉलो किया है, इसलिए हम मिले नहीं। फॉलो किया, ये जानना चाहिए। सी, वी आर सेफ, वी हैव फॉलोड द रूल्स। करेक्ट। जयदीप जी वेलकम। गाइस, बहुत सारे आप लोग ब्रॉड पे आए हैं अपना टाइम निकाल के, बहुत सारे फ्रेंड्स लोग हमारे आए हैं, फैंस लोग आए हैं, सबका बहुत स्वागत है। मेरा दोस्त है नकुल, काफी टाइम से, मतलब हम दोनों काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। सबसे पहला तो हमने एक बार एक एड शूट किया था निशा हेयर कलर का, राइट? निशा का, करेक्ट। बट हम जानते हैं एक दूसरे को उससे बहुत पहले से हैं। उससे पहले से हैं, यस। और निशा का हमने बाद में किया था, यस, उससे पहले से जानते हैं हम लोग। जानते हैं, करेक्ट करेक्ट। और हम अच्छे दोस्त हैं। सो आज सोचा कि चलो नकुल को इतना काम किया है तो तुम्हारी सक्सेस स्टोरी जाननी भी बहुत जरूरी है, तो मैंने सोचा कि चलो आज ब्रॉड पे तुम्हें ही लेके आता हूँ, मजा आएगा, एक बार तुम्हारे बारे में जानते हैं। एक्चुअली मुझे तुम्हारे बारे में वैसे सब कुछ पता है, बट कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू किया होगा तुमने, ये सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में आने लगे। सो अभी काफी दिनों से मैं ऐसा ये सब कर रहा हूँ, काफी दिनों से मैं अपने तुम्हारे जैसे ऐसे दोस्त लोग जो बड़े डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, अभी टिकू तलसानिया सर आ गए, कल सुदेश भोसले सर आए थे। वंडरफुल, उनके साथ बहुत अच्छा रहा। फिर राजन वाघरे सर जो बहुत बड़े कैरेक्टर है वो भी आए थे, धर्मेश मेहता, धर्मेश व्यास और काफी सारे लोग, अच्छे अच्छे लोग आए, बहुत मजा आया। उनकी एक स्टोरी सुनते ही क्या होता है कि अपने अंदर कुछ कुछ खुल जाता है, जो कंट्रैक्ट हुआ होता है ना वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। वो ऐसा लगता है कि वाह यार, इन्होंने इतनी मेहनत की है तो हमें और एक काम करने का जज्बा मिल जाता है। तो इसी वजह से ये शुरू किया मैंने, सोचा चलो तुम्हें भी बुलाता हूँ। राजेश वेलकम, सबका बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। गाइस, किसी ने मेरे दोस्त, मेरे भाई नकुल को अगर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो कर दीजिएगा। और गाइस, अगर नकुल की तरफ से कोई है जिन्होंने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज मुझे फॉलो कर दीजिएगा। अपने क्वेश्चन यहाँ पर जो भी होंगे वो लेते जाएंगे बीच बीच में। बट मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये एक्साइटमेंट था कि मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, मुझे बताओ ना यार। वैसे तो मैं नकुल को जानता हूँ, बट नकुल कहाँ से नकुल वैद्य बना, कहाँ से नकुल बना ये मुझे जानना है। कहाँ से तुमने शुरुआत की, वो क्या 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 पॉइंट था जब तुमने सोचा कि मुझे एक्टिंग कर? तो जो इस प्रोफेशन की जो शुरुआत की जो जर्नी है वो यहाँ से हुई कि टू बी ऑनेस्ट मैं कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहता था। वो मेरे दूर दूर तक नहीं थी मेरे जहन में वो चीज। जैसे एक्टर जनरली उसके लिए एक जुनून चाहिए अंदर से एक्टर बनने का, करेक्ट। तो मेरे में एक्चुअली किसी चीज का जुनून नहीं था एज सच। जुनून ही बहुत था लेकिन किसी चीज का जुनून नहीं था कि मुझे पायलट बनना है। जैसे बचपन में एक बार पायलट बनना था, एक बार बस ड्राइवर बनना था, एक बार मन किया था कि मैं अपने दोस्त, मेरा कजन था, हम सेम बिल्डिंग में रहते थे, हम लोग थर्ड फ्लोर पे थे, वो ग्राउंड फ्लोर पे थे। तो मेरा मन होता था कि वो जो साइड कैरियर वाली स्कूटर या मोटरसाइकिल होती है ना, मेरा मन होता वो हो, मेरे पास हो और मैं निकल जाऊं कहीं, कोई माउंटेन प्लेटू के ऊपर जाके मैं वहीं रहूं, उसी में मेरा घर हो। तो मेरे हमेशा बचपन से जो इच्छाएं थी वो
ये इस टाइप की थी, कभी ये नहीं इच्छा थी, इवन बड़े होके कभी ये इच्छा नहीं हुई कि मैं एक्टर बनूं। इनफैक्ट मेरा कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैं दोस्तों के साथ होता था ज्यादा टाइम, और मेरा मन होता था कि मैं बस मजे करूं लाइफ में। मैं बहुत शरारती बच्चा भी था स्कूल में कॉलेज में, और उसकी बहुत कहानी है मेरी। प्लीज सुनाओ प्लीज, हमारे पास बहुत टाइम है भाई, आप सुना सकते हैं। हाँ, तो वो भी वो सुनाएंगे, तो जर्नी का पहले बता देता हूँ थोड़ा सा। तो फिर हुआ क्या कि एक पॉइंट आता है जब लाइफ में सारे सीरियस हो जाते हैं, जो ये फिल्मों में भी हमने देखा है, आई डोंट नो कौन सी फिल्म है, लेकिन होता है कि फिर एक जो बंदा विदाउट एम्बिशन होता है वो सोचता है अब मैं क्या करूं, क्योंकि सारे कर रहे हैं, क्योंकि चूंकि आपका इंटरेस्ट आपके दोस्त है, आपके दोस्तों का लेकिन दो इंटरेस्ट है ना कुछ करने का, तो वो तो बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में। कोई सी एक फादर की फैक्ट्री संभाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है। तो फिर मैं सोचा मैं करूँ क्या यार, तो मैं सोचा यार कुछ घुस जाते हैं किसी चीज में। मेरा मैं जानता था कुछ लोगों को, मुझे फिल्में देखने का शौक तो था ही, वो एक शौक था। तो मैं चला गया था इनटू डायरेक्शन, मैं डायरेक्शन करता हूँ। डायरेक्शन में मुझे मजा आया नहीं, मैं नेचुरल डायरेक्टर था क्योंकि मैं खुद कैमरा लेके जब अपना करता था कि सीन्स लेके मैं रस्ते से लोगों को बुला बुला के परफॉर्म करवाता था, नॉन एक्टर्स को, जो एक्टर्स नहीं थे उसमें मजा आता था। तब वीसीआर होते थे, तो वीसीआर पे एडिट करता था मैं, कैमरा वीसीआर लेके उस पे एडिट करता था, वो मजा आता था। तो एज सच असिस्ट करने में मुझे मजा नहीं आता था, मैं सोचता था क्या कर क्या रहा हूं मैं यार, मैं क्लैप दे रहा हूं, मैं जाके एक्टर को बुला के ला रहा हूं, इसमें मुझे नहीं मजा आया फ्रेंकली। तो खैर वो एक चीज, तो लोग मैं देखता था मुझे करना क्या, मुझे खुद नहीं समझ आता था करना क्या। तो फिर लोग जो थे जो सेट पे आते थे एक्टर्स, वो बोलते थे यार यू शुड बी एन एक्टर, यू शुड बी एन एक्टर। और मैं देखता था इनकी लाइफ अच्छी है यार, तब मैंने एक्टिंग किया है वो नहीं समझा था, थोड़ा बहुत जाना था क्योंकि मैं था फिल्म विल्म में देखता था, मैं देखता था लाइफ इनकी बड़ी अच्छी है यार, आते हैं अपना काम करते चले जाते हैं, हम 9 बजे की शिफ्ट में 8 बजे आते हैं और रात को 10 बजे पैकअप होने के 1 घंटे बाद 11 बजे जाते हैं, और करते क्या है, नहीं करते ना पैसा ना कुछ। तो मैंने सोचा एक्टर बनते हैं। अब जब सोच लिया एक्टर बनते हैं, अब उसकी मेहनत करनी पड़ी, आपको कुछ समझ आनी चाहिए, आप जाके कुछ भी थोड़ी कर सकते हैं पाकिस्तान में। तो मैंने फिर क्या किया, सीनियर एक्टर्स थिएटर वर्कशॉप ये सब करनी शुरू कर दी, एंड फिर मैं मेरे में सिंसियरिटी हमेशा थी जो आज भी है, तो सिंसियर बहुत था मैं, और मैं वो था कि अपने आप को मैं देख सकता था कि यार मैं अभी इधर गधा लग रहा हूँ यार, मजा नहीं आ रहा मेरे को करते हुए। तो मैं कोई ऐसा एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करते हैं, तब तक मैंने एडवर्टाइजिंग शुरू कर दी थी, मैंने एड्स वैड्स की थी तो पैसे आ गए थे, लेकिन उतने पैसे नहीं आए थे कि मैं एक्टिंग स्कूल अफोर्ड कर सकूं। करेक्ट, मैंने एक ऐसा एक्टिंग स्कूल के बारे में पता किया एक जगह से, जहां वो महीने के जैसे बाकी एक्टिंग स्कूल उस वक्त 60-70 हजार लाख रुपया लेते थे, तो ये जो एक्टिंग स्कूल था ये महीने का 1000 रुपया लेता था, और 6 महीने हम एक्टिंग सिखा देंगे आपको, और वो शूट करते थे, जो बड़ी बात थी उन दिनों, ये मोबाइल्स तो थे नहीं, कैमरास थे नहीं, तो वो शूट करेंगे। बोला ये अच्छा है, मैं बाहर से इन्फॉर्मेशन तो ले आता हूँ सिंगर एक्टर्स दूसरे एक्टर्स से बात कर करके कि कैसे करना है क्या करना है, एक खुद का भी एक अंडरस्टैंडिंग होती है को लेके। तो करते करते मैंने वो एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया, और सर को रिक्वेस्ट किया सर देखो 1000 रुपया तो मैं अफोर्ड कर नहीं सकता हूँ, तो ये भी मजेदार किस्से। बोला यार तो मेरा तो स्लॉट का 1000 रुपया, तो एक काम कर, मतलब उनका इंटरेस्ट भी, उन्होंने बोला यार तुम एक काम करो एक और बंदे को ले आओ, तो तुम दोनों वो स्लॉट में आ जाओ, तो 500 दे देना मुझे 1000 मिल जाएगा और तुम्हारे लिए डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं बोला ठीक है सर। मैंने दोस्तों जो कॉलेज में था उन दिनों, मैं बोला यार तू भी कर, बोलते मैं क्या करूं, मुझे एक्टिंग से कुछ लेना देना नहीं है, मेरे को नहीं करनी एक्टिंग। बोला नहीं यार एक्टिंग एक करियर है जिसमें पता नहीं कब कौन कहां निकल जाए, तो तू भी कर ले। मैंने उसको कन्विंस किया, वो हो गया कन्विंस, क्योंकि यंग एज में आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं चीजें, तो कन्विंस हो गया। तो हम दोनों ने 500-500 दे के हम वो एक्टिंग स्कूल में जाते थे। अच्छा वहां मजेदार किस्सा ये था कि लोग जो थे सीन्स देते थे हमें। अब सीन्स कैसे होते थे, पुरानी फिल्मों के जो उन दिनों फिल्में होती थी, धर्मेंद्र साहब की, मिथुन की, अमिताभ बच्चन साहब की, अनिल कपूर की, इनकी फिल्मों के डायलॉग हूबहू लिखते थे। हाँ हाँ, और स्क्रिप्ट देते थे। चलो वो तो ठीक है क्योंकि आपने एक्टिंग करनी है तो जो आपको सीन दिया आपको करना है वो करना पड़ेगा।
करना पड़ेगा, तो ठीक है। अब वो चाहते थे कि वो सीन आप उस एक्टर की तरह ही करो, जो मुझे अजीब लगता था, मुझे पता था ये एक्टिंग नहीं है। मतलब धर्म जी ने एक सीन किया एक तरीके से, तो आपको उसी तरीके से वो सीन करना है। बोला यार, तो मैं बोलता था सर मेरे से नहीं होगा ये, सर मैं अपने तरीके से करता। वो बोलते थे जैसे करने करो, बोलता आप शूट बस। तो वो शूट करते थे, फिर मैं देखता था, वाह मैं सिंसियर था, मैं देखता था यार साला कैसा लग रहा हूं यार, ठीक है मैंने फील किया लेकिन वो वहां नजर नहीं आ रहे, या कई बार फील नहीं किया नजर आ रहे, कई बार एक जेस्चर काम आ रहा है, कई बार एक लुक काम आ रहा है। तो जब आप उसको प्रैक्टिकली देखते हैं, मैंने बोला मैंने तो पर्दे के लिए एक्टिंग करनी है, तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ता है कि मैं फील करूं या नहीं करूं, इट शुड कन्वे एट द एंड ऑफ द डे, ऑडियंस शुड गेट व्हाट यू आर सेइंग। तो करेक्ट वहां से मेरी जर्नी एक्चुअली फिर शुरू हुई, एंड उन करेक्ट फिर उसी दौरान एक कॉन्फिडेंस होता है, आप क्लास में जा रहे हो, आप रियाज कर रहे हो एक तरह से, तो रियाज कर रहे हो, मैं अपने सीन्स भी लेके जाता था खुद ही, अच्छा थिएटर वेटर के मोनोलॉग्स और वो परफॉर्म करता था वहां पे, तो वैसे वो कॉपरेटिव थे, बड़े अच्छे थे, मस्त थे वो लोग, तो ये करता था। तो अच्छा और रियाज हो रहा है तो आप में कॉन्फिडेंस है, आप जाते हो ऑडिशंस वगैरह पे, तो करते करते फिर जर्नी शुरू हो गई। फिर काम में बहुत सीखा मैंने, बिकॉज खुद का तो इतना समझ थी नहीं, पता नहीं था कैसे करना है। फिर जो काम में सीखते हैं, आप देखो ना बहुत एक्टर्स उनकी आप ग्रोथ देखोगे, जो जहां से उन्होंने शुरू किया और जहां पहुंचे हैं, तो काम करते करेक्ट करते सीख जाता है। चाहे कोई भी चीज हो, आप ड्राइविंग ले लो, पहले दिन जाते हो, अरे करेक्ट गेट बदलना है, सामने देखना है, हॉर्न दबाना है, ब्रेक दबानी है, वो अलग अलग लगती है हर चीजें। लेकिन जब आप शुरू करते हो कुछ दिनों के बाद, जब आप रवा हो जाते हो, तो सब कोऑर्डिनेशन हो जाता है, फिर वो बताने में बड़ा अच्छा लगता है, पता है मेरे को ब्रेक भी दबानी पड़ी, मेरे को एक स्टेयर भी करना पड़ा, मेरे को ये भी करना, बट एक्चुअली जब आप कर रहे हैं आपको पता है बहुत इजी है, कुछ ऐसे तो इतना सोचने वाली बात नहीं है, तो वो होता है। करेक्ट, वो एक्सपीरियंस वैसे भी भूलने वाला एक्सपीरियंस नहीं होता है। आप 50 दिन बाद भी चला होगा तो ड्राइविंग तो आपको आने ही वाली है। करेक्ट करेक्ट सो बहुत राइट सारे लोग हमारे प्यार भरे मैसेज लेके आए हैं, हमारे दोस्त लोग, यामिनी मेहता, प्रणवी, वाह क्या बात है यामिनी, थैंक यू। धर्मेश भाई भी आए, सूरत, रुतुल जरीवाला, यश, वेरी गुड यार, अमी भाभी वेलकम, जय किनारी वाला मेरा मेरा कजिन है, थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू। हसन बारमल जी आए हैं, वो हर हर रोज हमारे ब्रॉड पे रहते हैं, यूएई से हैं और वो स्पेशली हमें देखने के लिए आते हैं। दिव्या किनारी वाला मेरी कजिन है, थैंक यू सो मच भाभी। जयमीन भाई वेलकम, सबका बहुत स्वागत है गाइस, थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चन हो तो आप जरूर रखिएगा क्वेश्चन अपने। गाइस ये नकुल जो है ना, नकुल ने मतलब आपको पता ही है उन्होंने बागबान मूवी में काम किया है बच्चन साहब के साथ, अब तक छप्पन, नाना पाटेकर सर के साथ, फिर चक दे इंडिया, शाहरुख खान के साथ, इतनी बड़ी बड़ी मूवी कर ली भाई तुमने, मतलब क्या वो एक्सपीरियंस रहा? पहले तो बताओ बागबान मूवी कैसे मिली तुम्हें? अच्छा, बागबान का किस्सा बड़ा मजेदार है। तो मुझे हमेशा लगता है कि मैंने और भाई मुझे ये भी सवाल पूछना है, शायद मैं भूल जाऊं तो प्लीज उसको कन्वे कर लेना, क्योंकि ब्रॉड पे कुछ फुटबॉलर भी आए हुए हैं, सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम फुटबॉल भी खेलते हो, तो उसके बारे में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मैं बाद में पूछूंगा आपको, जरूर पूछूंगा, आप इसका जवाब फुटबॉल दीजिए। मैं करेक्ट ज्यादा नहीं खेलता हूँ, क्रिकेट ज्यादा खेलता हूँ, बट फुटबॉल ठीक है, थोड़ा बहुत खेल लेते हैं इधर नीचे। करेक्ट करेक्ट, हाँ तो ये है कि बागबान का ऐसे हुआ कि मैंने अपनी पिक्चर की थी, पहली पिक्चर की थी वध, वध जो थी वेट नाना पाटेकर वेट साहब के साथ की थी मैंने, एंड दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म, एंड वो बड़ी स्ट्रगल से मुझे फिल्म मिली, बिकॉज उन दिनों टीवी एक्टर्स को फिल्मों में नहीं लिया जाता था। ये दौर ओ, तो चेंज तुम हुआ, टीवी कर चुके थे उस टाइम पे? कर चुका था मैं टीवी, और दो तीन सीरियल कर चुका था, एक एक्चुअली प्रॉपर किया था, बाकी किए थे, ज्यादा नहीं किया था लेकिन किया था, तो मैं एक्सपोज था ऑलरेडी, लोग जानते थे मुझे। तो उस वक्त प्रॉब्लम था कि जब आप, क्योंकि मेरा एक शो बहुत पॉपुलर हुआ था, मैं चैलेंज एक शो था जो बहुत पॉपुलर हुआ था विद यंगस्टर्स, तो प्रॉब्लम क्या था, टीवी एक्टर्स को लेते नहीं थे फिल्मों में, बिकॉज बोलते थे करेक्ट ओवर एक्सपोज फेस है। दौर चेंज हुआ 2008-09 के बाद, कि लोगों ने रियलाइज किया यार टीवी एक्टर्स की अपनी पॉपुलैरिटी है, तो उसपे उसको क्यों ना कैश इन किया जाए, बट उस करेक्ट टाइम पे ये नहीं था। तो मुझे, और मैंने टीवी करके सोचा यार टीवी तो किया है काफी, अब कुछ किया जाए नया मजेदार, एक चैलेंजिंग कुछ हो, क्योंकि टीवी पे तो ऑफर्स आते ही थे और करेक्ट फिल्मों में लेते नहीं थे, तो वो था कि यार ये करना है, ये एक बार देखते हैं, ये ट्राई करते हैं, तो उसके लिए मुझे पापड़ अच्छा बेलने पड़े काफी। लेकिन अच्छा इवेंचुअली इवेंचुअली मेरा एक्चुअली कुछ नहीं था, जो
जो होना होता है वो होता है, मैं इसमें विश्वास रखता हूँ। मेरे को नहीं लगता आप करते हैं कुछ, आप एक हद तक ही कर सकते हैं, क्योंकि बाकी चीजें जो एक्सटर्नल फोर्सेस है उसको आप थोड़ी कंट्रोल करते हैं। तो खैर जो था मुझे मिल गई, उस वक्त तो ये सेंस नहीं थी, उस वक्त तो लगता था कोशिश करनी है मुझे ही और मुझे करना ही है। बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन फॉर सम रीजन वो फिल्म नहीं चली, क्योंकि कुछ पता कि फिल्म की पब्लिश नहीं हुई, फिर फिल्म रिलीज नहीं हुई डेट पे, फिर आगे जाके रिलीज हुई, तो उस वजह से कुछ खैर जो भी था वो फिल्म नहीं चली। अब मैं साल डेढ़ साल भर घर बैठा था, काम नहीं था, इनफैक्ट ऑलमोस्ट डेढ़ दो साल काम नहीं था। और कौन से किए हैं टीवी शो? चैलेंज किया था और एक तुलसी किया था मैंने। चैलेंज में था, चैलेंज जो था वो सोनी पे था उन दिनों, सोनी दो घंटे के लिए ही आता था। तो चैलेंज काफी पॉपुलर हुआ था, तुलसी इंटीरियर्स में पॉपुलर हुआ था बिकॉज दूरदर्शन वहां ज्यादा देखा जाता था। बहुत ही अच्छा शो था, दोनों ही शो बहुत अच्छे। सो नाना पाटेकर साहब के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो तो बड़े जबरदस्त थे यार, एक्टर के मतलब बेहतर। मेरे ख्याल से मैंने जितने एक्टर्स के साथ काम किया है सारे ग्रेट एक्टर्स हैं, लेकिन जैसा जब आप उनको लाइव देखते हैं, जो आप स्क्रीन पे देखते हैं आपको लगता है क्या एक्टर है, कमाल है, लेकिन जब आप लाइव देखते हैं तब तो कुछ और ही लेवल पे है। बिकॉज मतलब कि अगर उन्होंने उनकी इंटेंसिटी इतनी है, यू कांट इमेजिन। सो लाइव का तो उनका मजा ही और है। तो आई थिंक ही इज बाय फार वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स आई हैव वर्क्ड विद। खैर बच्चन साहब के साथ भी बहुत अच्छा लगा था। खैर बागबान की कहानी मैं बताता हूँ, तो फिल्म चली नहीं, अब काम चाहिए था, तो मैं रवि जी को जानता था तो मैं उनको मिला जाके। अब रवि जी को लगा कि ये जो है रोल, एक रोल है, मैं इसको दे देता हूँ इसको, तो उन्होंने मुझे ये रोल दिया। अब मुझे लगा ये एक वन ऑफ द लीडिंग रोल्स था, मुझे नहीं पता था एक छोटा एक कैरेक्टर रोल है। और जब मैं उनसे मिलके बाहर निकला तो मुझे एक मुझे दिव्या दत्ता मिली जो एक्ट्रेस है, जानते थे, मुझे कहा कि यार तू क्या कर रहे हैं यहाँ। मैं बोला ऐसे है, उन्होंने कहा कि रोल छोटा है लेकिन एक गाना है, हीरोइन है, बहुत खूबसूरत लड़की है, लॉन्च कर रहे हैं ये वो सब। तो मैं सोचा यार, तो बोली यार ये बहुत अच्छा रोल है, मेरे को पता है इस रोल के बारे में मुझ, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो मैंने बोला हाँ मुझे करना है सर, मैंने फिल्म कर ली। और बाद में पता चला जो रोल मैं सोच रहा था वो एक्चुअली सलमान खान वाला रोल था। अच्छा तो मैं जब सेट पे पहुंचा मैंने देखा यार ठीक है, लड़की भी अच्छी लॉन्च की इन्होंने मेरे साथ, सीन्स भी अमित जी के साथ है। तो मैं बोला सर जो अमित जी के साथ सीन्स है क्या मैं जितने सीन्स अमित जी और परेश जी के साथ ही है, तो मैं बोला क्या मैं सीन्स ले सकता हूँ। जब मैंने सीन्स देखे तो मैं बोला यार ठीक है, कहानी अच्छी लग रही है, अपने लिए ज्यादा कुछ है नहीं, तो मैं बोला अभी ठीक है अब कर लिया है। और सर ने जब काम दिया तो यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट, तो मैं बोला चलो एंजॉय करते हैं इसको। अब उस फिल्म में मजेदार क्या था कि अमित जी को, परेश जी और अमित जी को, एंड खासकर अमित जी के साथ ऐसा था, मैंने देखा वो जब सीन अगर गाने जैसे गाना था, जब फिल्म में गाना है चली चली, तो बहुत हैप्पी सॉन्ग है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो मैंने देखा उनका एटीट्यूड अलग था। वो एक मेथड फॉलो करते हैं, हर एक्टर मेथड फॉलो करता है, उनका मेथड था कि जब ये एटमॉस्फेयर है तो वो सेट पे एक बच्चे की तरह मस्ती करते थे सबके साथ, जिसको जानते नहीं है उसके साथ भी मस्ती कर रहे, एक मूड बनाते थे अपना भी और आसपास वालों का भी, ताकि वो जो मूड है वो सब उस मूड में आए। और जब फिर वो एक दूसरे को आप देते हैं ना, वो आप देते करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना भाई, फिर ऑटोमेटिक परफॉर्म हो जाए। यस, तो वो होता था। और जब उनको गंभीर सीन करना होता था तब ऐसा होता था कि अमित जी बैठ जाते थे तीन या चार कुर्सियों पे, और आसपास उनके जो सिक्योरिटी थी वो खड़ी हो जाती थी, और उनके स्पेस में कोई नहीं आता था, और वो बिल्कुल चुपचाप कॉन्सेंट्रेट या पता नहीं कुछ सोच रहे हैं, अपनी इमोशनल मेमोरी में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, बट वो उनका एक प्रोसेस था जो वो करते थे और कट ऑफ हो जाते थे, फिर वो उनका स्टाइल है। तो मजा है। प्लस एक चीज होती है, मैंने देखा है एक्टर्स बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स होते हैं, दैट इज फाइन, लेकिन कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो परसोना होता है वो गॉड गिफ्टेड होता है। अमित जी का वो था, मतलब जब वो सेट पे आते थे, जैसे हमने तुमने भी काम किया है, बहुत लोगों के साथ काम किया है, सेलिब्रिटीज बड़े एक्टर्स के साथ भी किया, तीन बार काम किया मैंने, लेकिन नोटिस किया होगा कि सेट पे आधे एक घंटे के बाद कोई भी अगर
स्टार हो या अच्छा एक्टर हो, बड़ा एक्टर हो, शुरू में एक थोड़ा सा ऑरा होता है, बाद में वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है सेट पे, फिर वो बाकियों की तरह ही होते हैं, आम होते हैं। करेक्ट। बच्चन साहब का ये था कि वो जितनी देर रहे, वो अगर शूटिंग के 20वें दिन भी अगर वो सेट पे आ रहे हैं तो उनका एक ऑरा होता था, ऐसे लगता था कुछ रुक गया है, लोग लो, मतलब एक एक तरह से जो ऐसे बैठे वो थोड़ा ऐसे हो जाता था, स्ट्रिक्ट हो जाता। करेक्ट, देख, करेक्ट। हाँ, मतलब एक ही कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता था उनमें, वो जी वो एक उनमें उनकी पर्सनालिटी में वो है जो आई थिंक यू कांट कंट्रोल। मुझे मुझे ऐसे लगा कि इतना भी छोटा नहीं था, कैरेक्टर बहुत अच्छा था मेरे हिसाब से तो, अच्छा मतलब था, नहीं वो अच्छा मजा अच्छा आया। कैरेक्टर था, मतलब एक एक प्रोमिनेंट, एक अच्छी फिल्म में दिखने वाला कैरेक्टर ऐसा ही होता है भाई, बिल्कुल इससे ज्यादा बिल्कुल आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। अभी रवि चोपड़ा भाई इतना बड़ा नाम, एक तो बच्चन साहब, परेश रावल, ये इतने बड़े बड़े नहीं, दिग्गज बट लोग मजा करे भी बहुत आया हेतल, इतने उसमें हम। अच्छे लोग हैं ये हाँ लोग। वही ना, वही तो बात है ना, वही तो बात है आई मीन गॉड ब्लेस हिज सोल, बट सच अ स्वीट स्माइलिंग मैन, लविंग मैन, भाई। भाई वेरी मैंने नाइस। जब बच्चन साहब के साथ काम किया था ना, तो मतलब हमें फील ही नहीं कराते थे कि हम कुछ कहीं से आए हैं, वो ऐसा लगता है जैसे मतलब हमें अपना बना लेते हैं बिल्कुल उस एक टाइम, लेवल को एक्टर की तरह एक ले लेवल, आते हैं। एक लेवल। हाँ, और उस टाइम पे ऐसा होता था कि मतलब मैंने जब उनके साथ काम किया तो ऐसा हुआ कि पहली बार किया, फिर दूसरी एड की, फिर तीसरी एड, तो तीसरी एड में तो इतने नेचुरल हो गए, मतलब मुझे नाम से भी पुकारने लगे, मुझे मुझे एक्नोलेज करने लगे। हमने वाओ, लक्सर नैनो क्लीनर का काम किया था, यू नो। सो ये चीजें ना आपको बहुत कंफर्ट फील कराती है ऐसे बड़े लोगों के यस सामने। जनरली यस ये उनकी स्ट्रेटेजी अच्छी है, ये हमें भी सीखना चाहिए कि हमारे सामने जब ऐसा एक नया बंदा आता है जिसने काम नहीं किया है, जो कम काम किया है और हमारे सामने हाँ। आया और नया बंदा, तो हमें उसको मैं कैसे जो कंफर्ट करके उसको हमारे जो ऑरे में नाम लाना है। है वो भार है, यहाँ पे तो आप एक्टर ही हो ना, आप करेक्ट, जो काम करेक्ट, करोगे तो नाम होगा ना, तो काम सही होना चाहिए। नाम तो भार है, नाम थोड़ी काम आता है करेक्ट, परफॉर्म करते करते। आप अगर राज प्ले कर रहे हैं या विजय प्ले कर रहे हैं या जो भी आप प्ले कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको वही प्ले करना होगा, और वो बखूबी समझते हैं वो, ये एक्टर करेक्ट, से, करेक्ट, ये सीनियर्स से, ये हम सीख सकते हैं। सीखना, ऑफ यस कोर्स। बिल्कुल। मानसी कलानी करके कोई है जो पूछ रही है, आप कैसे हो, हैप्पी टू सी यू हियर। अरे नाइस टू हियर फ्रॉम यू मानसी, वाओ हेलो मानसी, वेलकम मानसी, मानसी आपका बहुत स्वागत है हमारे ब्रॉड पे, थैंक यू आप आए, अच्छा लगा। हनी भी आई है, माधवी मोदी हमारी दोस्त है जो आई है आज हमें स्पेशली मिलने। खुशी जी, यश मुझे कह रहे हैं कल से ली लुक ऑसम इन लाइट बियर्ड, थैंक यू सो मच भाई, ये किसी ने पहली बार बोला। एक्चुअली आज मुझे सच में टाइम नहीं मिला शेव करने का, जनरली मैं क्लीन शेव रहता हूँ, तो ये थोड़ा नया लुक लगा मुझे भी, सो मुझे लगा आज मैं नकुल के जैसा थोड़ा स्टाइल में आता हूँ हाय हाय। थोड़ा, तो मुझे लगा कि यस यस। गुंजन वेलकम, सिमरन वेलकम, जंकार वेलकम, सबका बहुत स्वागत है गाइस, थैंक यू सो मच। निकी, आई निकी, हाय निकी, वेलकम निकी, थैंक यू गाइस, थैंक यू। भाई हमने वो निशा हेयर कलर का ऐड किया था, ठीक है, उसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि हम टकराए, मिले कहीं पर, हम लोग दोनों साथ में शॉर्टलिस्ट भी हुए, काम नहीं हुआ, वो हो नहीं पाया, दोनों का नहीं हुआ, किसी और का फाइनल हुआ। क्या फीलिंग होती है आज भी जब पहली बार जब हम रिजेक्ट हुए थे और आज जब हम रिजेक्ट होते हैं, वो दोनों में अभी क्या फीलिंग है, अभी अभी क्या होता है जब हम किसी एड के लिए फाइनल होते हैं, शॉर्टलिस्ट होते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। एक्चुअली ऐसा तो कुछ मुझे लगता नहीं है, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, यू नो, बिकॉज आप अगर इसको पर्सनल लेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। बिकॉज आई थिंक एज एन एक्टर वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज, आप ही जो है वो इंसान भी है और आप प्रोडक्ट भी हैं, यू आर द पर्सन एंड द हाँ प्रोडक्ट, और उसमें करेक्ट, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो जो बहुत बहुत बार होता है एज एक्टर्स, आप राइट, वो ओके, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। सो आई राइट, थिंक इफ वन अंडरस्टैंड दैट, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट कि मेरा एक एड में नहीं हुआ या एक फिल्म में नहीं हुआ बिकॉज मेरी शक्ल ठीक नहीं है, या कि वही शक्ल पहले क्यों ठीक थी या आगे क्यों ठीक होगी, आज क्यों ठीक नहीं है। इट इज दैट यू डोंट फिट अ सर्टेन प्रोफाइल्स, कई बार बजट नहीं होते हैं, हम लोग काम कर चुके हैं, हमारे बजट कई बार थोड़े हाई होते हैं, बजट्स नहीं होते हैं, जो भी, देर आर मेनी सो रीजन्स। आई थिंक वी शुड नॉट जज आवर And सेल्फ ओवर sometimes, no, sometimes even if you are not good enough, it's okay. You can get better. मतलब या वो ऑफ भी हो कोर्स, सकता है ना रीजन। वो शायद हमारे बेटरमेंट के हाँ, लिए भी क्योंकि हो सकता है कि आप और अच्छा करो। मेरे साथ हुए कई बार कि मैंने जब इनफैक्ट अपना पहला शो जब चैलेंज किया था,
मैंने जो ऑडिशन दिया था, अगर मैं डायरेक्टर होता तो मैं अपने आप को इंडस्ट्री से निकाल देता उस वक्त, इतना खराब लगता। मतलब एक्टर बनने कैसे आए, और मुझे वो फील भी हुआ करते हुए ऑडिशन। एक होता है कि आपको अच्छा लगा मैंने तो यार मैंने तो फाड़ दिया है, फाड़ लेकिन दिए लेकिन लोग देख रहे कि भाई आप खुद फटे हुए लग रहे हो, वो अलग। तो मैंने जब अपना ऑडिशन करते हुए मुझे लगा मैंने क्या किया, मैं आई डोंट डिजर्व। खैर, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट हुआ, और वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे उस टाइम के, संजीव भट्टाचार्य जी, अगेन मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, वो नहीं रहे। यस तो खैर, ये इस बार दो मैंने अपने काम बताए और दोनों ही डायरेक्टर्स नहीं है। लोग ऐसे नहीं सोचे कि मैं, मेरे में कुछ मनुष्यत है कि मैं जिसके साथ काम करता हूँ डायरेक्टर रहता ही नहीं है। तो जब मैंने ऑडिशन टेप्स देखी बाद में, तो अपना खराब था तो पता था, तो मैं सोचा जब मेरा खराब है तो बाकियों का भी खराब हुआ होगा, मतलब मेरे से भी खराब लोग होंगे, इसलिए तो नहीं हुआ। क्योंकि उस कैरेक्टर के लिए उस वक्त बहुत बड़ा था वो शो, बिकॉज संजीव भट्टाचार्य जिनके दो या तीन बहुत सक्सेसफुल शोज रह चुके हैं, एंड ही टेलीविजन स्लॉट्स भी कम होते थे, जैसे आज बहुत सीरियल्स है, बहुत चैनल्स है। उस वक्त सिर्फ सोनी जी था, सोनी 2 घंटे के लिए आता था, तो सिलेक्टेड स्पेशल लोगों को ही मौका मिलता था बनाने का, सो ही मौका। वॉज पीपल। यस अब जब मैंने एक दिन ऑफिस में, उनके बैठे बैठे, हम जाते थे ना ऑफिस कई बार, तो ऑफिस में बैठे बैठे मैंने एक बार ऑडिशन टेप्स देखी, एंड यू वोंट ओके बिलीव, हेतल, मुझे बताया गया था 1 सवा साल से इस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन चल रहा था, और जब मैंने वो हाँ ऑडिशन टेप्स देखे और जो मैंने लड़के देखे जिन्होंने वो रोल के लिए ऑडिशन किया रोल था, के लिए हेतल, आई वुड नॉट बी अमंग्स द फर्स्ट 30 पीपल। मैंने 50-100 तो मैं देख ही नहीं पाया, मैंने शायद 30 ही देखे होंगे या 20 देखे होंगे, उन 20 में भी मेरा नंबर लास्ट ही होता जितने मैंने देखे। मतलब एक लड़का जिसका मेरे से खराब हुआ हो, एंड मोस्ट ऑफ देम वर गुड लुकिंग, बेटर लुकिंग ऑल्सो। तो मैं सोचा, मैं अपने आप को मन में बोला तू यू आर वेरी लकी, डायरेक्टर का पता नहीं क्या हुआ, मे बी ही लॉस्ट हिज बेयरिंग दैट टाइम, या पता नहीं क्या हुआ, चुप हो जाओ, आपको मिल गया। बट देन सीखा बहुत उनसे करते अब करते। तक 56 में भी तुमने बहुत अच्छा, तुम्हारा कैरेक्टर था नाना पाटेकर साहब के साथ, भाई अब तक 56 में भी तुमने काम किया, उससे पहले भी नाना सर के साथ काम किया, सो वो क्या फीलिंग आज भी उनके साथ कनेक्ट हो, वो क्या जुड़, क्या क्या था वो उनके अगेन, साथ ग्रेट जुड़ा एक्टर हुआ? की, ग्रेट लोगों की ये निशानी होती है, वो जो है ना वो ओवरऑल देखते हैं, अपने आप को तो देखते ही है, बिकॉज अपना जो करना है वो तो करते हैं, उसमें वो बहुत सक्षम भी हैं, तो उनको अपना जो करना है पता है, लेकिन वो देख रहे हैं कि सिर्फ मेरे करने से नहीं होगा, अगर हेतल है तो हेतल को भी करना पड़ेगा, तब मैं और उठ के आऊंगा। यू सी एवरी वन वेन दे आर गुड देन द होल थिंग कम्स अप ना। सो अब उनके साथ क्या था, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मैंने मेरी जो परफॉर्मेंस या जो भी मुझे जो क्रेडिट दिया गया है, काफी श्रेय मैं उनको देता हूँ, डायरेक्टर को भी देता हूँ और उनको भी देता हूँ, मैं उनको बहुत श्रेय देता हूँ मैं, बिकॉज सपोर्ट ओके बहुत किया उन्होंने, एंड बहुत वो बताते थे, सपोर्ट न्यूएंसेस मीन कैसे बताते थे सपोर्ट? अच्छा, एक्टिंग। ओके एक्टिंग में। और जैसे मेरे को याद है, ये मैं पहले भी एक इंटरव्यू में बता चुका हूँ, अब सिंस यू हैव आस्क्ड तो मैं यहाँ भी वो दोहरा देता हूँ चीज। प्लीज। एक बार एक सीन था, अब शायद 56 में था या पहली फिल्म में था पता नहीं, मुझे किस फिल्म में था पता नहीं, मैं उनके साथ 3-4 फिल्में कर चुका हूँ। नाना सर के साथ हाँ, तो एक फिल्म, एक एक ऐसा था सीन कि जब हम करते थे तो मुझे लगता था कि वो कई बार बोलते थे ऐसे कर ले, तो और मुझे अच्छा लगता था वो जैसे करते थे मेरा भी पार्ट, तो मैं उनको बोलता था सर जरा एक बार और करके बताएं, मेरे को बड़ा अच्छा लगा आपने जैसा किया, तो वो करते थे। फिर होता था कि चलो मिल गया मेरे को, लेकिन अब भी नहीं आ रहा है, मतलब मैं समझ रहा हूं लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं, तो एक दो बार और देखूं तो शायद हो जाएगा। एक बार करेक्ट। मैंने ऐसे करवाया, कुछ 10 या 11 बार करवाया, और उन्होंने एक एक बार मेरे लिए किया वो सीन, यस वाह। क्योंकि वो देखते हैं कि ये बंदा कितना सिंसियर है, ये कितना जानना चाह रहा है, ये इसको, इसके अंदर कितनी भूख है। तो मेरे करेक्ट। अंदर भूख सीखने की थी, क्योंकि मैं पहले से वैसा ही था, मैं सीखता था, सारे डायरेक्टर्स ने सिखाया, सीनियर एक्टर्स ने सिखाया, तो उन्होंने मेरे लिए, तो वो ऐसे सपोर्ट करते थे, यू नो ही वुड ओके ऑलवेज बी सो देयर ये फॉर यू। दूसरी फिल्म भी आपको जो मिली वो उसी की, उन्हीं की वजह से मिली आपको? कुछ हद तक, बिकॉज पहली फिल्म हमारी चली नहीं थी,
फिर जब रामू जी ये फिल्म कर रहे थे तो हाँ मैं एक दिन मिला था नाना सर को, तो उन्होंने बोला तू मिलता क्यों नहीं है रामू जी को, वो कर रहे हैं एक फिल्म शुरू और तू फिट होता है उसमें। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं बात करता हूँ, तो मैं रामू जी से मिला। अच्छा रामू जी ने मेरे को मिलके ये मुझे बाद में रामू जी ने खुद बताया, फिल्म कंप्लीट हुई जब हम प्रमोशन के लिए जाते थे तो उन्होंने बोला नकुल कम हियर, बोला यस सर, दिस वॉज हिज वे ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग। बोलते हैं तुम्हें पता है मैंने यू नो आई रिजेक्टेड यू फॉर दिस रोल। आई सेड रियली सर, आई डिडंट नो। बोलते हैं या बिकॉज यू नो आई डोंट कास्ट फेसेस लाइक यू, आई कास्ट अनकन्वेंशनल फेसेस, यू हैव अ वेरी मेन स्ट्रीम फेस, वेरी कन्वेंशनल फेस, सो आई डोंट कास्ट फेसेस लाइक यू, बट यू सरप्राइज मी। वो उनका तरीका था कॉम्प्लीमेंट करने का। तो क्या बात है नाना सर ने उनको बोला था और शिमित ने कहा था, अगेन मेरा ऑडिशन बहुत खराब था, शिमित ने खुद ऑडिशन लिया था जो डायरेक्टर है फिल्म के, बट उनको हाँ पता नहीं क्या नजर आ गया मेरे ख्याल से, या तो मेरे में कुछ है कि मैं जाता हूं तो लोग अपना बेरिंग भूल जाते हैं और मेरे को ले लेते हैं, और या हाँ उनमें वो उनका देखने का नजरिया ऐसे जो मुझे नहीं समझ आता है। बट फिर शिमित ने करेक्ट कहा कि यू आर द ओनली वन हु वांटेड टू प्ले द कैरेक्टर, बाकी जितने लोग आए थे वो हीरो बनना चाह रहे थे। सो वाह क्या बात देख है। लेते हैं डायरेक्टर यू नो कि नहीं है इस बंदे में जो मेरे को जो चाहिए वो मेरे को मिल जाएगा, मैं निकाल लूंगा यार ऐसे। काफी लोग ये भी जानना चाहते हैं यहाँ पर ब्रॉड पे कि आप इंस्टाग्राम क्यों क्यों नहीं चला रहे हैं, आपका इंस्टाग्राम मिल नहीं रहा है, आप इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं हो, इतने बड़े एक्टर नहीं हैं तो। नहीं बड़ा बड़ा तो नहीं हूं, लेकिन ये जरूर है कि मैं ज्यादा सोशल नेटवर्किंग पे होता ही नहीं हूं। मैं सुबह से लेके मैं फर्स्ट टाइम जो अपना व्हाट्सएप भी चेक करता हूँ जनरली वो 1-1.5 बजे के बाद करता हूँ, क्योंकि सुबह मैं आई नो अपनी मुझे पता है, इसीलिए मैं तुम्हें जब भी मैसेज करता हूँ बहुत शांत हो जाता हूँ कि ये अभी आराम से करेगा मैसेज। कई हाँ बार जल्दी आ जाता तो मुझे सरप्राइज हो जा रहा है, बहुत जल्दी आ गया आज। बट हाँ अभी वो तुम्हें लग रेयर नहीं रहा है होता कि है सोशल मीडिया इज सो मच इम्पोर्टेंट इन दिस यार। लॉकडाउन सिचुएशन और आफ्टर लॉकडाउन। आई टेल यू व्हाट, उसका क्लियर आंसर यस या नो में नहीं है, टू एन एक्सटेंड यस टू एन एक्सटेंड नो। जैसे एट द एंड ऑफ द डे आप का जो काम है वो ही बोलेगा, लोगों को आप पसंद है जैसे आप जो भी आप कर रहे हैं लोग देख रहे हैं यार, उनको नहीं पसंद आएगा तो नहीं देखेंगे। आज किसी एक्टर की फिल्म नहीं चलती है इसलिए थोड़ी ना नहीं चलती है कि वो इंस्टाग्राम पे सॉरी बट किसी सोशल नेटवर्किंग पे नहीं है, वो इसलिए नहीं हाँ चलते करेक्ट क्योंकि फिल्म लोगों को नहीं पसंद आई, या उनका करेक्ट काम करेक्ट कई बार पसंद आता है कई बार नहीं पसंद आता है। दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद सोशल मीडिया। मैं आज बात कर रहा हूँ करेक्ट लोग सुन रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं वो सुन रहे हैं, अभी सुन रहे हैं करेक्ट मैं अगर कुछ ऐसा बोलूँ जो उनको नहीं पसंद आ रहा है तो वो मुझे आउट कर देंगे ना, तो आई थिंक इट इज एक सवाल मेरे मन में भी काफी टाइम से था, और एक सवाल मानसी ने अभी वो याद करा दिया मुझे ये सवाल पूछ के कि वो क्या राज है जो तुम इतने सालों से मतलब ऐसे कैसे ही दिख रहे हो, ना ही तुम्हारी एज बढ़ रही है, तुम और अरे यंगर होते जा रहे हो, क्या बात है, क्या कर रहे हो ऐसे? कुछ नहीं, लाइफ सिंपल है ये मत बोलना कि शायद हेतल तुम्हारे जैसे दोस्त हो तो कोई यंग नहीं, सब यंग ही रहते हैं, ऐसा मत बोलना, मुझे पता नहीं है। मानसी मानसी जैसे वेल विशर्स भी तो हैं, प्लस थोड़े ऊपर वाले की मेहर है शायद। थैंक यू मानसी। यस एंड आई थिंक इट इज ब्लेसिंग्स एंड आई थिंक आई लीड अ वेरी सिंपल लाइफ। मेरी लाइफ बहुत बहुत ही बेसिक है, बहुत सिंपल है। वेदर इट इज जैसे मैं पार्टी जैसे वोटी तुम कुछ करता नहीं हूँ कुछ रनिंग मैं, हाँ वनिंग जिम योगा वगैरह भी एक्सरसाइज करते हो, प्राणायाम एक्सरसाइज मेडिटेशन वगैरह भी रेगुलर करते हो? करता हूँ सुबह उठ के, मैं ऊपर वाले को याद करता हूँ, अपनी एक्सरसाइज करता हूँ एंड बहुत बेसिक लाइफ जीता हूँ मैं, बहुत ही बेसिक। मतलब करेक्ट ये लॉकडाउन मेरे लिए बहुत मजेदार रहा है क्योंकि मेरे लिए तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ ना। मैं सबको, मैं कई लोगों को बोलता हूँ आई एम अ हाउस वाइफ, जो पूछते हैं क्योंकि मैं घर पे जाता ही नहीं हूँ, तो बहुत सिंपल करेक्ट करता हूँ मैं। गाइज हाउ स्वीट ऑफ यू यार, मजा आ गया यार तेरे साथ यार बात करके। मैं तुझे जानता तो था लेकिन मुझे ये सब नहीं पता था इतना अंदर तू इतना खुला हुआ है, मतलब मुझे लगा तू बंद डिब्बे की तरह है, तुझे मतलब जब भी खोला जाए उसमें से जितना चाहिए उतना ले सकते, वापस बंद करके तू अपने आप बैठ जाता है, लेकिन अभी पता चला कि तेरे ऊपर का जो ढक्कन है ना वो इतना बड़ा है कि थोड़ा लेंगे ना पूरा बाहर आ जाएगा तू। अरे थैंक यू। How sweet of अच्छा you. No, फुटबॉल पे Manzi, यू sorry, I वांटेड, can't ask this question because this is a very personal. I can't ask this question, but still I have a question for you. कि ये जैसे इतनी फिल्में की
इतने अच्छे अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया। चक दे इंडिया के बारे में कुछ बताओ, कैसे वो फिल्म मिली और कैसा चक दे का एक्सपीरियंस ऐसा था कि बहुत इफ यू सीन, दो ही सीन थे, एक तो टाइटल स्क्रोल होता है तब आता है, छोटा सा था, तो हमने 56 की थी शिमित और मैंने अब तक 56। तो उसके बाद शिमित का मेरे को एक दिन फोन आया, मैं मनाली में एक फिल्म की शूटिंग ही कर रहा था तो शायद मैं ले नहीं पाया था, तो मैंने कॉल बैक किया, तो शिमित ने कहा कि नहीं नहीं नथिंग नथिंग, आई सेड ओके। फिर उसका उससे बात हुई, दोबारा उसका फोन आया, बोलता एक्चुअली एक फिल्म मैं कर रहा हूँ ऐसे करते, उसमें तो लड़कियों का ही रोल है और बस अदरवाइज शाहरुख खान का रोल है, बाकी तो कोई रोल ही नहीं है, लेकिन चूंकि हमने काम किया एक छोटा रोल है, बट इट विल नॉट डू एनीथिंग टू योर करियर या फॉर इट्स नॉट फॉर योर प्रोफाइल, सो तो रहने देते हैं। मैं बोला ठीक है नो प्रॉब्लम यू डिसाइड, बोला बट लेट्स डू इट, और कोई रोल ही नहीं है तो हमें काम करना है और सब, बिकॉज यूनिट भी उसका लगभग जो उसकी टीम थी सेम थी, हम सब काम कर चुके थे, बहुत प्यार था आपस में, बड़ा एंजॉय किया था हम लोगों ने। तो बोले यार कौन सी मूवी थी जो काम कर चुके थे? अब तक 56 वही टीम थी सब पूरी? हाँ वही टीम थी, डायरेक्शन टीम वही थी, बिकॉज शिमित अब तक के भी डायरेक्टर थे ना, तो करेक्ट। उन्होंने कहा सब चाह रहे हैं यू शुड ओनली डू दैट रोल, लेट्स डू इट, तो एक साथ मिलेंगे मजा आएगा, ऐसे ठीक है, ऐसे शिमित यू डिसाइड करना या नहीं करना, यू टेक अ कॉल। शिमित ने बोला लेट्स डू इट, लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग, लेट्स जस्ट हैव फन, बोला ठीक है। तो वो फिल्म ऐसी थी, लेकिन उस फिल्म में मेरे को मजा बहुत आया, उसका एक रीजन था, मैंने एक हमने एक दो सीन थे ना फिल्म में और दोनों में शाहरुख साहब थे हमारे साथ, तो हमने पहला जब सीन शूट किया तो उसमें एक एक कुछ जिस तरह से किया था, एक गिव एंड टेक जो भी था वो हमने किया। अब जो सेकंड सीन था एक तो फोन पे ही था मेरे ख्याल से, एक फोन पे था, एक था जब एक था, हाँ एक और अगर एक वो फोन वाला मैं भूल गया था, फोन एक, वाला भी सीन था, तो एक लाइव था जब जहाँ शाहरुख खान साहब भी थे, तो वो सीन हम लोगों ने तरीके से किया था, कुछ हमने वहां पे इम्प्रोवाइज किया था, उसके बाद वो सीन खत्म हो गया। हम क्लाइमेक्स कर रहे थे जो एंड में आता है, बिल्कुल जब ये लड़की आती है जीत के और मैं आता हूँ एयरपोर्ट पे अपनी वाइफ को लेने, राइट राइट, तब जब हम सीन कर रहे थे शाहरुख साहब और मैं, हम जब कर रहे थे तो मैंने इनको बोला मैं चाह रहा था कि वो जो हमने इम्प्रोवाइज किया था, चूंकि मेरे मन में था वो, मैं सोचा वो चीज हम यहाँ भी लेके आए तो एक कनेक्शन बनता है, तो मैं जब बोलने लगा तो जो असिस्टेंट थे जो चीफ एडी थे उनको लगा पता नहीं ये क्या बोलेगा शाहरुख सर को, एंड शाहरुख सर को मत बात करो ये वो, तो मैंने बोला नहीं, तो उन्होंने वो समझ गए कुछ इम्प्रोवाइज करना चाह रहे, कुछ करना चाह रहे एज एन एक्टर, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं व्हाट आर यू सेइंग टेल मी, वो खुद उन्होंने पहल की, शायद उनको खुद ये बात याद नहीं होगी, तो मैं बोला हमने सीन ऐसे किया था तो हम अगर इसको ऐसे करें, तो बोले या लेट्स डू इट, ही वॉज वेरी फोर्थ कमिंग। सी अगेन दिस इज अ ये पहचान है ऑफ अ ग्रेट एक्टर, बिकॉज करेक्ट ही इज नॉट शाहरुख खान ऑन द सेट, ही इज द एक्टर ऑन द सेट, जो वो रोल कर रहे हैं कबीर, आई थिंक कबीर 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 या कबीर खान, ही वॉज प्लेइंग कबीर ही था आई थिंक, या ही वॉज प्लेइंग कबीर, ही वॉज कबीर दैट टाइम, ही वॉज नॉट शाहरुख खान, बिकॉज ही वांटेड कि सीन उठना चाहिए यार, अगर उठ रहा है तो क्या फर्क पड़ता है कहीं से भी आया हो, सो तो अच्छा लगता है जब ऐसा होता है, तो इट इज यू फील सेटिस्फाइड कि चलो कुछ अच्छा काम किया आज। करेक्ट 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 राइट एब्सोल्युटली राइट एब्सोल्युटली राइट यार। ये अभी जैसे लॉकडाउन में ऐसा बहुत लोगों के माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे गड़बड़ चल रही है, कैसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या मैसेज है कि कैसे रहना चाहिए ऐसे लॉकडाउन सिचुएशन में, क्या ऐसा करना चाहिए जो अपने अपने आप को अपलिफ्ट रखें? मुझे लगता है इफ यू बिलीव इन गॉड विच आई डू, एंड इवन इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड, जरूरी नहीं है कि हर आदमी बिलीव करे, कोई बात नहीं, बट द मोर दिस लॉकडाउन हैज टॉट अस हाउ टू नॉट रिलाय ऑन एक्सटर्नल्स, जैसे सक्सेस इज ऑल्सो एक्सटर्नल, एम्बिशन इज ऑल्सो एक्सटर्नल, तो क्योंकि एक्सटर्नल आपके हाथ में ही नहीं है, आपने प्लान किया होगा, कई लोगों ने कुछ कुछ प्लान किया होगा, कुछ लोगों ने कंपनीज ने पॉलिसी प्लान की होगी, किसी ने कुछ प्लान किया होगा, बट इवेंचुअली डिड एनीथिंग वर्क, सब कुछ स्टैंड स्टिल पे आ गया। सो वेन यू रिलाय ऑन थिंग्स विच आर एक्सटर्नल, ये मेरा मानना है, देन यू आर टेकिंग अ वेरी बिग रिस्क ऑन योर हैप्पीनेस। सक्सेस एंड हैप्पीनेस आर टू सेपरेट थिंग्स, हैप्पीनेस आपके हाथ में है, सक्सेस आपके हाथ में कंप्लीटली नहीं है। आई डोंट पर्सनली आई डोंट बिलीव जब लोग बोलते हैं कि सक्सेस का मंत्र ये है,
सक्सेस का मंत्र कुछ नहीं है, क्योंकि नहीं तो गीता गलत हो जाती है, आपकी गीता ही गलत हो जाती है। गीता में सबसे पहले दिया गया है कि रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड, रिजल्ट मत सोचो। अगर आपके हाथ में होता तो बोलते ना पहले रिजल्ट का सोचो, यू हैव टू वर्क हार्ड, दैट्स इट। थिंक अबाउट सक्सेस, द फर्स्ट थिंग यू आर डूइंग इज पुटिंग रिजल्ट इन फ्रंट एंड देन यू आर वर्किंग बैकवर्ड्स। पूरी गीता ही गलत हो जाती है उसमें। एंड फॉरगेट गीता, तो जो कई लोग नहीं मानते होंगे, कई लोग मानते होंगे, वो अलग बात है, बट फैक्ट भी है ना। Correct. It has been proven right now. So try to lead a simple life. जितनी simple जियोगे उतने मस्त रहोगे. And don't take it too seriously. क्या बात है. Casting में हमारे दोस्त दीपक मेहरोत्रा जो दिल्ली से है. दीपक अच्छा भाई जी. आपने इनको पहचाना, नकुल भाई है हमारे बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत ही जबरदस्त एक्टर भी है, इन्होंने काफी मूवीज में काम किया है, बागबान और चक दे इंडिया, अब तक छप्पन। सो भाई जरा देखिएगा, अपना दोस्त ही है, उनसे भी एक बार कनेक्ट होइएगा, बहुत ही जबरदस्त इंसान है ये, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है, दीपक भाई भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त है। अर्जुना वेलकम गाइज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माई ब्रॉड। कुछ क्वेश्चन भी आए हैं मेरे ख्याल से, मैं 2 मिनट देख लेता हूँ। सो सॉरी अनु, अरे क्या है, थैंक यू धर्मेश, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू। ओके सोनल डॉक्टर वेलकम, ग्रेविटी वेलकम, बिंदास वेलकम। यश पूछ रहे हेतल जी आप अपने बारे में भी कुछ बताए। अरे यार मैं अपने बारे में क्या बताइए सर, इतने बड़े एक्टर बैठे हैं मेरे सामने, क्या बताएं, दोस्त है हमारे यार। ऐसे तो कोई मतलब खास तो कुछ नहीं है, मतलब ऐसा है कि कुछ 300 जैसी एड्स हो गई है, अभी तो बच्चन साहब के साथ 3 बार काम कर चुका हूं। हेतल तो तेरे बारे में एक चीज बोलूंगा, हेतल इज अ वेरी डाउन टू अर्थ गाय, और मुझे जो अच्छा लगता है हेतल को मैंने राइज करते हुए देखा है, क्योंकि आई थिंक मैं हेतल से पहले आया था इंडस्ट्री में, तो मैं तो काम काफी कर चुका था, लेकिन मैंने हेतल को छलांग लगाते हुए देखा है, उड़ान भरते हुए देखा है। एंड चलो अगेन आई फील सक्सेस जो थी वो आपके हाथ में कंप्लीटली नहीं होती है, लेकिन उसके लिए जो आप करते हैं, जो मेहनत करते हैं, मैंने हेतल को बहुत मेहनत करते हुए देखा, एंड ही इज एन एक्सट्रीमली, आई हैव सीन यू एज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, और वो चीज मैंने ली है तुमसे हेतल, आई वुड बी ऑनेस्ट, यस, बिकॉज यू डोंट सी कि कौन क्या है क्या है, आप सबके साथ यू आर लाइक दिस, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट क्वालिटी। हाउ स्वीट ऑफ यू। मैं कई बार, मुझे लगता है मैं कई बार अपनी मस्ती में हो सकता हूँ, बट हेतल इज ऑलवेज अ पीपल्स पर्सन। ये लोगों का प्यार है यार, और कुछ नहीं है दोस्त, तभी तो तुम्हारे जैसे दोस्त अपने इतने दिल के करीब रहते हैं, दोस्त हमारे दोस्त बन जाते हैं इतने अच्छे से, हम लोग कितना कितना मतलब कितना मस्ती करते हैं, हम लोग कॉफी कई बार तो कॉफी के लिए मिल लेते हैं कभी, चल यार आज मिलते हैं, बहुत मन हुआ है मिलने का, और पता है बीच में आपका स्टोरी भी था कुछ, तो तुमने बोला था कि चल यार मिलते अपने एक स्टोरी पे काम करते, मुझे एक स्टोरी पे काम करना था, तब मैंने तुम्हें बताया था कि यार एक स्टोरी पे काम करना, तो डायरेक्ट करना यार मजा आएगा। श्रीधर वत्सर मेरा बहुत अच्छा दोस्त जो भी आया है, वाओ थैंक यू श्रीधर, थैंक यू सो मच श्रीधर, ये मेरा दोस्त है, आप उनसे इंस्टा पे प्लीज फॉलो कर दीजिएगा। श्रीधर, श्रीधर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो ऐसा है कि अब मैं क्या बताऊं, एक्चुअली ना वो वैसे उनकी एज ज्यादा है, बट वो उनकी हाइट थोड़ी छोटी है, बट वो मेरे साथ इतने अच्छे से मिलता है ना, हम दोनों इतने अच्छे से गले लगकर मिलते हैं, इतना अच्छा मेरा दोस्त है, उनके साथ काम भी किया था, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे दोस्त जब ब्रॉड पे आते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, डूइंग वेरी हार्ड वर्क, थैंक यू यश, थैंक यू सो मच। ये तो इन्होंने बता दिया, अभी इनके सामने क्या बताया यार, बहुत अच्छा मेरा दोस्त है और वो जानता है सब कुछ मेरे बारे में। सो आप लोगों के लिए बता दूं कि कुछ मैंने 300 से ऊपर एड्स किए हैं, और बच्चन साहब के साथ मैंने 3 बार काम किया है, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, आमिर खान, काफी लोगों के साथ काम किया है, और मैंने काफी फिल्में भी की है, ओ माय गॉड में था मैं, पीके, बैंग बैंग, गब्बर, जुड़वा 2, रॉन्ग साइड राजू, वैसे काफी सारी मूवीज थी। सो कई फिल्मों में मैंने छोटे छोटे कैरेक्टर्स भी किए हैं, बट मेरे लिए क्या है कि मैं तुम्हें ये भी पूछना चाहता था भाई कि जैसे ये मेरा खुद का अपना सवाल है, मुझे भी कई लोग पूछते हैं कि आपके सामने एक फिल्म पड़ी है, फिल्म की स्क्रिप्ट है, सीरियल है, वेब सीरीज है, आपके सामने थिएटर है, थिएटर की स्क्रिप्ट पड़ी है, आपको उसमें से कुछ चूज करना है, क्या चूज करोगे भाई आप? मैं चूज करूंगा जो अगर अगर आप जैसे आप बोल रहे हो, आई अज्यूम कि रोल्स भी एक जैसे ही हैं, सब कुछ एक जैसा है, तो आदमी क्या चूज करेगा?
तो मैं वो चूज करूंगा जिसमें मुझे कम टाइम देना पड़े ताकि मैं जल्दी काम करूं और मैं फ्री हो जाऊं, तो वो भी एंजॉय करूं और अपना टाइम भी एंजॉय करूं. क्योंकि मेरे को अपने टाइम का बहुत होता है, मुझे अपने आप के साथ रहने में बहुत मजा आता है. तो मेरा फिल्मों में जल्दी आप फ्री हो जाएंगे, क्योंकि अगर 70 दिन में पिक्चर बनती है आपके, आप लीड भी कर रहे हैं तो 40-50 दिन होंगे उसमें. करेक्ट. तो आप सीरियल के बंदे नहीं हो, अगर सीरियल आएगी साथ सामने तो आप मतलब. अरे मैं वो मेरे को टेम्परामेंट ही नहीं है, 2 साल तक मैं करता ही रहूं मैं पागल हो जाऊंगा. मेरा टेम्परामेंट मतलब ऐसा है कि आई बिलीव नेवर से नेवर, क्योंकि कई बार आप किसी वजह से कर लेंगे, ऐसे नहीं कि मैं करूंगा ही नहीं या मैंने नहीं करना है, बट जहां तक हो सके मेरा ये होता है कि मैं जितना फ्री रह सकूं मुझे टाइम दे दे. या तो मुझे सेट पे बुलाए, बोले सर आपको सिर्फ 5 घंटे देने या 7-6 घंटे देने हैं, हफ्ते में 2 दिन छुट्टी भी है आपकी, फिर महीना भी आपको छुट्टी दे देंगे बाद में आगे जाके. बट ऐसे होता नहीं. ऐसे होता नहीं है. करेक्ट. काम होता है तो इतना काम होता है, मतलब मैंने भाई एक टाइम पे मैंने 4 चीजें की है. मैंने 48 आवर्स काम किया है. मैंने आज सुबह समझ लो मैंने 9 बजे मेरा कॉल टाइम है सीरियल का, तो मैं सुबह 9 से रात को 9 बजे तक मैं सीरियल करूंगा. फिर उसके बाद मेरा रात को एड शूट है, तो वो पूरी रात एड शूट करूंगा. दूसरे दिन सुबह मुझे एक फिल्म के शूट में जाना है, तो वो मैं वहां जाता हूँ फिल्म सिटी. फिर वहां से दूसरे दिन हाफ डे वहां पर, हाफ डे और वहां दूसरा हाफ डे मैं यहाँ पर आता हूँ सीरियल. सो ये सब मैनेज करना भी बहुत सच्ची है, मतलब ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा काम चुका हूँ ऐसे. लेकिन मेरा किस्सा थोड़ा फर्क था. मैं क्या शूट कर रहा था, एड ही कर रहा था, 2 एड्स कर रहा था बैक टू बैक. तो एक एड मेरी गोवा में शूट थी और दूसरे को मैंने बॉम्बे में हाँ कर दिया था. तो ऐसे था कि वो एड शूट करने के बाद सुबह मैं सुबह फ्लाइट थी गोवा से, बॉम्बे आके डायरेक्ट फिल्म सिटी जाना था मुझे एयरपोर्ट से ही. अच्छा मजेदार बात ये हुई कि देखो अब ये होता है कि उस वक्त तो अब तो कहानी बन चुकी है, अब किस्सा बन गया है तो मजा आता है सुनाने में. लेकिन उस वक्त जो होता है उस वक्त मैं आपको बता सकता मैंने शूट कंप्लीट किया रात को, सुबह 5 या 7 बजे की या जो भी फर्स्ट फ्लाइट थी वो थी वहां से, 7 बजे की थी मेरे ख्याल से गोवा से फ्लाइट. और हम लोग कुछ निकले 4 बजे एयरपोर्ट से, होटल से एयरपोर्ट जाने के लिए. अब जो हमारा ड्राइवर था जो क्रू के साथ था वो हमें ले गया रात 4 बजे. कौन जागता है गोवा में, तो कोई नहीं जागता है. और वो पूरे गोवा में पता है आपको कि वो रोड रोड ही रोड है, मतलब आसपास खेत है और आप चलते ही जा रहे हो. तो भाई साहब बॉम्बे के ड्राइवर थे तो चलते ही जा रहे हैं. हम लोग अराउंड 45 मिनट्स हम ट्रैवल किया तो बोल रहे यार वो आ नहीं रहा रास्ते, आ नहीं रहे. बाद में हमें रियलाइज किया कि जहां हमें इस डायरेक्शन में जाना था वो हमें इस डायरेक्शन में 45 मिनट्स ले गया. अब 40 पहले ये कवर करो फिर 40 फिर दोबारा इस सही रास्ते पे जाओ. तो मेरा दिल धड़क रहा था बिकॉज मैं बोला अगर मैं फ्लाइट मिस हो गई मेरी तो वो शूट कैंसिल हो जाएगी एंड दैट इज नॉट राइट, बिकॉज फिर आपकी जिम्मेदारी है बिकॉज आपने कमिटमेंट दिया हुआ है. करेक्ट. वो तो लकीली उन दिनों में काम वाम ज्यादा करता था, सब कुछ बंद हो गया था, बोर्डिंग भी बंद हो गया था, बोर्डिंग गेट बंद हो गया था. लेकिन उन्होंने पहचान लिया, चूंकि आप एक्टर हैं कभी कभी लोग पहचान लेते हैं और आपको पहचान लिया तो उन्होंने रिक्वेस्ट करते और करके मेरे को सीधा अंदर भेज दिया तो मैं बच गया. वाओ वाओ ग्रेट यार. तो मैं तो इसी काम में आ जाता. या या वो होता है तो करेक्ट यार, होता है ऐसा. बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत मजा है यार तेरे साथ बात करके यार, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू एमजे रोमियो, दैट इज वेलकम. बहुत सारे लोग तुझसे मिलने आए, सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं यार आपकी, बहुत खुश है. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. आप सबका, आप सबने बहुत प्यार दिया यार, इट्स अमेजिंग यार. यू नो व्हाट, जब एक्टर ग्रेट एवरीवन कांट डू इट. अरे ये तो हो गया उस टाइम पे 48 आवर्स, मतलब ऐसा था मेरे लिए कि उस टाइम पे मैं फैक्ट बताऊं ना नकुल, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात ये थी कि उस टाइम भी मैं मेडिटेशन बहुत करता था. सो वो मेडिटेशन मुझे बहुत काम में आया क्योंकि जैसे मैं आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी को फॉलो करता हूँ और मैं उनको बहुत मानता हूँ, मैं उनकी सुदर्शन क्रिया भी करता हूँ और उससे मुझे बहुत ताकत मिलती है, बहुत पावरफुल अपने आप को फील करता हूँ अंदर से. मैं बहुत सारी चीजें एक साथ कर सकता हूँ परफेक्शन के साथ. ये मेरे अंदर बहुत अच्छी एक क्रिएटिविटी है और ये क्रिएटिविटी खुलती जा रही है हर बार, क्योंकि हर बार मैं अपने
इनर सेल्फ से मिल रहा हूँ, हर हर 4-5 घंटे में अपने आप के साथ मिल रहा हूँ, तो वो और खिलता जा रहा है। सो उस वक्त भी ऐसा ही हुआ, मुझे सोने की जरूरत नहीं पड़ी उस टाइम। क्यों? क्योंकि वो आधे पौने घंटे का जो मेडिटेशन होता था वो मेरे को 6-7 घंटे की नींद के बराबर हो जाता था। सो वो इतना इतना ब्यूटीफुली उस वक्त भी, इतना 48 आवर्स पता ही नहीं चला कि मैंने काम किया, इतना इजीली। एड वालों ने भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। यू नो, जब जब समष्टि आपके साथ जुड़ती है ना, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ आपके साथ जुड़ने लगता है, सब कुछ आपके प्लान के हिसाब से चलने लगता है। दो दो वो मेरा प्लान नहीं था एक्चुअली, मैंने कुछ प्लान नहीं किया था। मैंने ये सोचा था कि चलो इधर से हो जाएगा तो इधर चला जाऊंगा, उधर चला जाऊंगा, उधर चले जाऊंगा, हो जाएगा, लेट्स सी। सो मैंने सबको वो हिसाब से बोला, पीपल डोंट नो अबाउट यू, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, या प्लीज, कि हेतल ने अपने आप को, it is very difficult to move from one place and resettle in another place, and a place like Bombay. Aap Bombay se Surat ja sakte hai, lekin Surat se Bombay aana is not easy. Because Bombay, lot of logistics, lot of very expensive, bahut cheeze hain Bombay, matlab real estate is only so expensive and everything in Bombay is much more difficult and cutthroat competition, usme apne aap ko establish karna, hats off to you. You've done a great job. Thank you, mere bhai. Thank you. This is your and, love for me. Yeah, and I really appreciate. Thank you, buddy. Thank you so much. You are so lovable. Always you appreciate me, and it's absolutely wonderful for me. वो मुझे बहुत thank you है वो है. हमेशा तुझसे मिलता हूँ, मैं हमेशा अपलिफ्ट हो जाता हूँ यार. थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच. मैं हाँ जरूर, मैं इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करूंगा, आप भी कर लीजिएगा. ड्रीम्स चेजर मीडिया वाले भी आए हुए हैं, और मेरी भाभी है रुजल पुनीवाला जो सूरत से, दिनेश सोनी मेरे दोस्त हैं वो आए हुए. थैंक यू दिनेश भाई. ये जो है ना, ये जो स्ट्रगलिंग टाइम जो अपना था, मुझे हमेशा यही सिखाया गया था, मेरे पापा ने भी यही सिखाया था कि बेटा स्ट्रगल टाइम से डरना मत. उस टाइम में है ना, जो तुम मेहनत करते हो ना जनरली, उसमें भी तुम अपना 200% डाल देना. क्यों? बिकॉज यू नो, मैंने हमेशा ये सोचा था कि लाइफ में अगर आपको समझ लो कि आपको मार्क्स, अगर केमिस्ट्री की एग्जाम है, केमिस्ट्री के एग्जाम में अगर मुझे 90 मार्क्स लाने हैं, तो मुझे मुझे 90 मार्क्स लाने के लिए मुझे एटलीस्ट 100 मार्क्स का लिखना पड़ेगा, तब जाके मुझे इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं 90 मार्क्स लाऊंगा. अब मेरे को लाने मार्क्स 90 है और मैं लिख के आया हूँ 70 मार्क्स का, तो 90 कैसे आएंगे? Life is also like that. Life में भी अगर आपको actually, again I would just like to add to this, हम हर चीज को as success failure, that is how we live life. हम देखते हैं. Correct. Struggle है, that is a situation. उसको आप struggle बोल रहे हैं वो ठीक है, but it is just a situation. Because कई बार आपने बहुत enjoy किया होता है, आज जब हम बातें करते हैं वो struggle की, so called struggle, तो हम हम उसको enjoy कितना कर रहे हैं. Was it struggle? तो एंड प्लस स्ट्रगल क्या होता है, जब तक आप स्ट्रगल कर रहे हैं आपको नहीं रियलाइज होता है आप स्ट्रगल कर रहे हैं. जो आपको देख रहे हैं वो आपकी स्ट्रगल देख रहे हैं, क्योंकि जिस दिन आपने स्ट्रगल कर रहा हूं, आप स्ट्रगल कर ही नहीं पाएंगे. बिकॉज यू फील अरे यार इतना बड़ा पहाड़ है. जब आप पहाड़ चढ़ रहे हैं, आप बार बार ऊपर देखते रहेंगे तो आपका दिल ही टूटता जाएगा. चढ़ते जा रहे तो लोग हाइकिंग पे क्यों जाते हैं? अरे द सेम थिंग. ये कल आपको क्या, ऊपर जाके कोई आपको पेड़े थोड़ी देने वाला है यार, आप तो एंजॉयमेंट कर रहे हैं. सो इट इज अ प्रोसेस, यू शुड एंजॉय द सिचुएशन. आई एम सो सॉरी मैं तुम्हें बीच में काट रहा हूँ, लेकिन गाइस अगर आप लोग ने सुना हो तो ये सेम लाइन टीकू सर ने भी बोली थी, और उन्होंने ये कहा था कि मैं जब पहाड़ चढ़ता हूँ ना तो मैं सिर्फ नीचे देखता हूँ, मैं ऊपर नहीं देखता हूँ. दैट इज व्हाट यू सेड टुडे, राइट? Because we just go through it ना. आप एक और उदाहरण है क्रिकेट का, आप देख लो बड़े बड़े क्रिकेटर्स जब कोई मैच जीतते हैं और बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से जीतते हैं, स्पेशली बैट्समैन, उनको बोलते हैं आपने कैसे किया, इतने रन चाहिए थे, इतने ही थे. बोल रहे I was taking small steps. I was just focusing on the next 5 runs or 10 runs and 10 runs and 10 runs. कि 10 करने हैं. वो अगर सोचेगा मुझे 200 करने हैं यार, तो यार 115 पे क्या होगा, या 85 पे क्या होगा, या 40 पे क्या होगा, you don't know. Then the mind takes over. Right. The mind. मोहनदास के बारे में कुछ बताओ ना, हमारे ब्रॉड पे कोई पूछ रहा है. मोहनदास क्या मूवी थी? मोहनदास वॉज अ फिल्म, वो बहुत बढ़िया फिल्म थी.
इनफैक्ट बहुत अच्छे रिव्यूज भी मिले उस पिक्चर को. इज दिस अबाउट गांधी जी? नहीं नहीं, इट इज सिनोनिमस टू गांधी जी, इसलिए नाम मोहनदास है, बट इट इज नॉट. बहुत इंटरेस्टिंग कहानी. इट इज अबाउट अ मैन जिसकी आइडेंटिटी कोई ले लेता है. एंड देन व्हाट ही डज. यस, इट्स ऑन, इट इज ऑन यूट्यूब. मोहनदास मूवी टाइप करेंगे तो यूट्यूब पे आ जाएगा. एंड इट्स अ, मैंने मोहनदास प्ले किया था उसमें. मजहर कामरान है जो बेसिकली ही वॉज ही फ्रॉम FTII. उन्होंने की थी ये. ही वॉज सिनेमाटोग्राफर फॉर सत्या, कौन, झनकार बीट, मस्ती, ये सब फिल्में उन्होंने एज अ सिनेमाटोग्राफर की. बट ही वॉज ऑलवेज अ डायरेक्टर. वो डायरेक्टर बनना चाहते थे इसलिए उन्होंने सिनेमाटोग्राफी चूज की थी. वेरी केपेबल डायरेक्टर एंड अ वेरी डीप पर्सन. मतलब अलग ही है. तो मजा आया वो फिल्म करके. बहुत मजेदार पिक्चर थी. बहुत ही अच्छी पिक्चर है वो. जरूर देखेंगे गाइज. आप लोग भी जरूर देखिएगा. और आप लोग यहाँ पर आए, अपना प्यार दिखाया गाइज. थैंक यू सो मच दोस्तों. आप लोग ऐसे आते रहेंगे तो हमें और मजा आएगा. नकुल को अगर आप लोग ने फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो कर दीजिएगा उनको. बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे एक्टर भी है और मेरे बहुत अच्छे दोस्त है. आज तो मतलब उनके लिए मेरा रिस्पेक्ट और बढ़ गया. मतलब मैं उनके लिए और जान लिया मैंने उनके बारे में. तो आई रियली अप्रिशिएट. ओके, धर्मेश कबूतर वाला मेरे दोस्त बोल रहे कि गॉट मेनी नॉमिनेशंस आल्सो. ओ अच्छा, उस फिल्म के लिए नॉमिनेशन भी मिला था. ओके, बहुत फेस्टिवल्स में गई थी एंड कंपटीशन में. सी लॉट ऑफ फिल्म्स गो टू फेस्टिवल्स, जो लोग एडवर्टाइज करते हैं, बट इट इज नॉट इन कॉम्पिटिशन. फेस्टिवल्स में बहुत कैटेगरीज होती है. तो कॉम्पिटिशन होना इज रियली दैट यू आर इन अ फेस्टिवल. यस यस यस. आपकी कंट्री इकोनॉमिकली वगैरह अच्छी होती है, आपकी फिल्में रिकग्नाइज हो रही है, तो धीरे धीरे फिर वो भी आपकी फिल्में लेना चाहते हैं. लेकिन ये उस दौर में था जब शुरू होने लगा था या हुआ नहीं था अभी तक. ओके 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 ओके. टू द फिल्म. बट नकुल यार, थैंक यू सो मच यार, तूने इतना टाइम दिया यार मुझे. नहीं, थैंक यू. आई एंजॉय. मजा आया बात करके. मजा आता है. दिस yes, मुझे भी बहुत फन ना कि आप दोस्तों से बात करते हैं और लोग सुन रहे हैं. कोई प्रेशर नहीं है. लोग भी एंजॉय कर रहे हैं. जिसको नहीं मजा आ रहा है वो निकल जाएगा बाहर. जिसको मजा आ रहा है वो देखेगा बैठ के. बस फ्रेंकली स्पीकिंग, कोई गया नहीं यहाँ पर. सब लोग बैठे हुए कब से आपको. दैट इज नाइस. दैट इज नाइस. आई एम ग्लैड कि लोग, कि मतलब हम कुछ ठीक ठाक ही बात कर रहे हैं. ये सारी बातें होती बहुत इंटरेस्टिंग है. मुझे खुद को बहुत मजा आता है. सो इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ. यस, वी ऑल्सो एंजॉय. धर्मेश कह रहे हैं वी ऑल्सो एंजॉय. थैंक यू सो मच गाइज. एंड एंड नकुल, थैंक यू. मैं थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है यार तुम्हारे लिए. आई एम सो मच ग्रेटफुल. क्या कॉन्वर्सेशन है यार, इसमें क्या है. यस यार, नॉट कि मैंने कुछ. बट स्टिल द टाइम इज सो इम्पोर्टेंट. एंड थैंक यू सो मच बडी. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. मिलते हैं जल्दी से भाई. कीप इन टच. यस. थैंक यू सो मच ड्रीम चेजर मीडिया. जितेंद्र जी साहब. जितेंद्र जी साहब, हाय, हाउ आर यू. थैंक यू जीतू. यार क्या बात है यार, हमारे पुराने दोस्त लोग सब आ रहे हैं. गाइस प्लीज मुझे फॉलो करें यार. जो भी पुराने दोस्तों ने फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो करें यार. मजा आएगा. आप लोग आएंगे तो ब्रॉड पे यार इतना मजा आता है. थैंक यू सो मच. रियली इंजॉयड आप लोग के साथ. बहुत अच्छा लगा मुझे गाइस. आज रात को 9 बजे प्लीज रहिएगा ब्रॉड पे. मानसी राज करके एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस, बहुत अच्छी एक्ट्रेस, जिन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर करण जौहर की जो थी उसमें काम किया था उसने. और काफी फिल्में भी की है, काफी वेब सीरीज की है और वो बहुत बड़ी प्रोड्यूसर भी बन गई है बहुत छोटी सी एज में. सो आज रात को 9 बजे वो जरूर हमारे साथ रहेंगी. सो आप प्लीज हमारे साथ रहिएगा. थैंक यू सो मच दी ड्रीम चेजर मीडिया. थैंक यू सो मच गाइज. थैंक यू गाइज. बाय बाय बाय.